यहाँ पर कहा कि हाईकोर्ट के सामने के बलों की मूर्ति जो है वो हट्टी की है। उसके दो ही तरीके हैं, एक लाखों की भीड़ इकट्ठा करो, हाईकोर्ट में चलिए और उसको गिरा दीजिए, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि विधानसभा में आपके चुने हुए नुमाइंदे भेज दीजिए, विधानसभा में चुन के आपके नुमाइंदे भेज दीजिए और वो विधानसभा तय करेगी कि बलु का पुतला वहां से हटेगा तो हटेगा ही। दो रास्ते आपके पास, ये कानून आप अपने हाथ में लेके मनु की मूर्ति गिरा सकते हो, और दूसरा रास्ता यह है कि विधानसभा में आपके चुने हुए नुमाइंदे भेजो, उनको जिताओ और वे असेंबली में कहेंगे कि मनु का पुतला हटना चाहिए तो ही सरकार चलेगी वरना ये सरकार नहीं चलेगी। ये अगर भूमिका होती है तो ही हम लोग मनु का पुतला हटा सकते हैं और यहाँ की व्यवस्था को बदल सकते हैं। भाइयों और बहनों, वैसे तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांतों का स्पष्ट निंदक हूँ। वो प्रतीक धर्म का नहीं बल्कि भेदभाव, क्रूरता और अन्याय का प्रतीक है। मेरा तो प्रस्ताव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का खुले आम दहन किया जाए। शुद्रतु कार्ये दास्यम कृतभकृतमेव वा दास्यायौ हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्यात् स्वयं भुवा। वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन त्वानि कर्माणि कारयेत् सौ हि चितो स्वकर्मभ्य क्षोभयेतामिदं जगत्। न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रा दास्याद्विमुच्यते निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोहति। दुसरे गेट ना गेलो मग हायकोर्टा मध्येच मला तो पुतळा दिसला, मग आम्ही फटाफट फटाफट वरती चढलो आणि त्याला काळं करून टाकलं आणि संविधान जिंदाबाद म्हणलो, मनुवाद मुर्दाबाद म्हणलो। त्यांचे वकील खूप पळत आले आणि त्यांना आम्हाला तिथं धरलं आणि त्यांना आम्हाला हाणमार केली तिथं खूप। ब्राह्मण मेरे पे बहुत बुरी तरह मारी जाएगी। Everyone, please follow, like, share, comment, and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. भोजनांचे नेते माजी खासदार आदरणीय बाळासाहेब तथा प्रकाश आंबेडकर साहेब यांनी 21 ऑक्टोबर 2022 जयपूर येथील राजस्थानातील जवळपास सर्व जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटनांसोबत सामाजिक व राजकीय चर्चा केली। इन दिस मीटिंग एव्हरी वन डिसाइडेड दॅट दे विल फाईट टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रकाश आंबेडकरजी टू रिमूव्ह मनुज स्टॅच्यू इन राजस्थान हायकोर्ट। म्हणजेच या बैठकीमध्ये असे ठरवण्यात आले की माननीय प्रकाश आंबेडकरजी यांच्या नेतृत्वाखाली राजस्थान हायकोर्टमधील जयपूर या कोर्टमधील मनुजची जी मूर्ती आहे ती मूर्ती हटवण्यासाठी एकत्रपणे कार्यक्रम आखला जाईल, लढाई लढली जाईल असे या बैठकीला न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता मूल्य चळवळीचे नेतृत्व करणारे संघर्षशील विचारवंत सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, पत्रकार, मानवाधिकार
कार्यकर्ते उपस्थित होते। राजस्थान मधील विविध सामाजिक संघटनांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते।